इसराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई ने हिंदुस्तान में सियासी लकीर खींच दी है। भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और इस समय इसराइल के साथ खड़ी है। वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दलों ने फिलिस्तीन के नागरिकों के अधिकारों के बारे में भी बात की है और साथ ही सरकार से ये भी पूछा है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत ने अपना आखिर रुख क्यों बदल दिया। आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग पार्टी से अलग अलग राजनीतिक जानकारों का इसराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में क्या कहना है और कौन सी पार्टी किस देश के समर्थन में है और किसके खिलाफ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। बीते शनिवार को जब हमास ने इसराइल पर रॉकेट बरसाए थे तो उसके कुछ घंटों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसे आतंकी हमला करार दिया और कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत इसराइल के साथ खड़ा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और फिर से अपनी बात दोहराई कि भारत निश्चित रूप से इसराइल के साथ खड़ा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने कार्य समिति की बैठक में फिलिस्तीन का समर्थन किया और कहा कि वो लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों के लिए उनकी जमीन और अधिकार के पक्षधर है। बीते शुक्रवार को कार्य समिति की बैठक में इसराइल और हमास के बीच सीज फायर की मांग भी कांग्रेस ने की थी। बता दें कि कांग्रेस के इन बयानों के बाद इसराइल हमास युद्ध ने भारत में सियासी रंग ले लिया है। वहीं दूसरी ओर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलिस्तीन मुद्दा केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है बल्कि ये मानवीय मुद्दा है और ये उन सभी मुद्दों से जुड़ा मामला है जो इंसाफ चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे, मोदी जी गाजा में फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे अत्याचार को रुकवाइए, फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता दिखाइए। आगे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के शेख अब्दुल्ला से बातचीत की और युद्ध से पश्चिमी एशिया में उत्पन्न हो रहे संकट पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि दोनों देश इस मुद्दे पर संपर्क में बने रहेंगे। इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, आज भी दोनों तरफ से बम के गोले दागे जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेटों की बौछार करके जंग की शुरुआत की थी जो फिलहाल अभी भी थमती नजर नहीं आ रही है। इसराइल और हमास युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख पर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। कुछ विशेषज्ञों ने इसराइल के साथ एकजुटता और आतंकवाद के प्रति भारत सरकार के सख्त रवैये की सराहना की है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि भारत को इस मुद्दे पर अपने पुराने स्टैंड को ही दोहराना चाहिए था जो इसराइल और फिलिस्तीन के लिए सह अस्तित्व की वकालत करता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।